असलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइस अगर मेरे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें, बेल आइकन तो प्रेस करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो मिल सके। गाइस जैसा कि आप तो पता है, अगस्त का महीना खत्म हो गया है, सितंबर स्टार्ट होने वाला है। सितंबर में पैरिस संडे रहते हैं, तो मैंने और फसी भैया सोचा था पैरिस से बहुत लगाते हैं। हमने पहले सारा तेज साफ किया, खाने और पीने से बर्तन बाहर निकाले, फिर हमने ट्रे निकाल दे, ट्रे धोई। हमारे पास 7 ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं और एयर टॉप टेल भी है। जो तेरा टेल है उसका पेयर ही नहीं है, उसकी फीमेल मर गई थी। मैं और फसी भैया सोच रहे थे इसकी फीमेल ले आते हैं, हम इसे दूसरे तेज में डाल देंगे। अभी फिलहाल यह सबके साथ रहता है, ये बहुत प्यारी प्यारी सीढ़ियाँ बजाता है। इनमें से एक परी हमें थोड़ा बीमार लग रहा है, हमने सोचा थे उसे आज़ाद कर देते हैं। हमारे पास 2 ग्रीन कलर के रिन रहते हैं, हमने ग्रीन परी के लिए भी बड़ा सा बॉक्स लिया हुआ है। ये अंडे देंगे, फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे, हम बच्चों तो टेम करेंगे, फिर वो हमारे हाथों पे बैठेंगे। ये ग्रीन परी हम तो बहुत ही डरते हैं, हम इनके पास जाते हैं तो ये डर जाते हैं। मैंने और फसी बहन ने जल्दी जल्दी बॉक्स लगाए। हमने सोचा था बीमार वाले पैर तो आजाद करते हैं। फसी भैया ने तेज में से पैरिट निकाला, वो बहुत काट रहा था इसलिए हमने उसे एक नेट में डाल दिया और हम इसे बाहर गली में ले गए। फसी भैया ने नेट में से पैरिट निकाला और उसे उड़ाने की कोशिश की, पहले उसका पाउंड नेट में फंस गया। फसी भैया ने उसे नेट से निकाला और वो फौरन उड़ गया, वो उड़ते सामने दरख्त में बैठ गया। तभी दरख्त पे जाता तभी जमीन पे गिर जाता, उससे उड़ा नहीं जा रहा था, बार बार जमीन पे गिर रहा था। बाहर डली में तो डॉट्स भी थे, हमने चाहा पैरेट तो डॉट ना पकड़ लें, फिर हमने उसे पत्थर से तेज में डाल दिया। ऐसा लगता है वो हमसे दूर नहीं जाना चाहता था। गाइस अगर आपने भी घर में पैरेट रखे हुए हैं उनसे बहुत लगा दें, जैसे थे हमने लगाए हैं। गाइस मेरी वीडियो तो लाइक और शेयर करें। आज तेरी इतना ही, मिले ना इंशाल्लाह। तल अभी तेरी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।